फ्रेंड्स, माइक्रोवेव में कंडेंसर और डायोड के कनेक्शन कैसे करते हैं इसकी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, इसमें जो मैग्नेट्रॉन में वायर लगी हुई है, एक जो सिंगल वायर है वो दोस्तों मेन ट्रांसफार्मर से आ रही है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये वायर मेन ट्रांसफार्मर पर गई है, और जो डबल वायर लगी हुई है मैग्नेट्रॉन में, ये हमारी एक वायर ट्रांसफार्मर पर जाएगी मेन ट्रांसफार्मर पर, और दूसरी वायर आपको देखिए मैं दिखाता हूँ कैपेसिटर पर जाएगी। और जिस कैपेसिटर पे के थिम्बल पे ये वायर जाएगी मैग्नेट्रॉन वाली, उसी पे डायोड लगा हुआ है। ये देखिए आप डायोड, और नीचे डायोड अर्थिंग किया हुआ है। और दूसरा जो कैपेसिटर का कंडेंसर का दूसरा जो पॉइंट होता है, उस पे सिंगल वायर आती है जो कि हमारे मेन ट्रांसफार्मर से आ रही है, ये सिंगल वायर आ रही है। तो बहुत ही आसान तरीका है कैपेसिटर और कंडेंसर और डायोड का कनेक्शन करना। आप इस तरह से कंडेंसर और डायोड के कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही छोटा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है दोस्तों कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि कैपेसिटर जो होता है उस पर दो थिम्बल होते हैं एक पॉइंट में। इसमें भी दो थिम्बल हैं, आप देख रहे होंगे, और इसमें भी दो थिम्बल हैं। तो एक हमारा जो जाएगा मैग्नेट्रॉन से जो डबल वायर आती है उसमें से जाएगा, उसी के साथ लगेगा डायोड का एक पॉइंट, और डायोड का दूसरा पॉइंट अर्थिंग के लिए जाएगा। और जो हमारा कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट बचता है वो हमारा कंडेंसर से आता है, वो केवल सिंगल ही रहता है, अकेला रहता है। ये पॉइंट आप इधर भी कर सकते हैं, इन दोनों को इधर भी कर सकते हैं, और इसको सिंगल को इधर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने आपकी जानकारी के लिए इसलिए बनाया है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई हम कौन सा वायर कहाँ पर लगाएं, कैपेसिटर में या डायोड कहाँ लगाएं। तो इसलिए मैंने इसकी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। जानकारी आपको अच्छी लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को पुश करना, और अच्छा सा एक कमेंट्स करना, ताकि हम आपको और भी नई जानकारी दे पाएँ। नमस्कार, टेक केयर।